रूस के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की आर्टिलरी इकाइयां यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी यानी तोपों की बैटरियों को लगातार निशाना बना रही हैं। विशेष सैन्य अभियान यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ये दुश्मन को चकमा देते हुए उनकी रक्षात्मक संरचनाओं के साथ ही कमांड पोस्टों को तबाह कर रही हैं और दुश्मन की मारक क्षमता, हथियारों और सैन्य हार्डवेयर को नष्ट कर रही हैं। MLRS यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम आर्टिलरी का इस्तेमाल दुश्मन को पीछे खदेड़ने या आक्रामक रास्तों पर बैराज फायर करने के लिए भी किया जा रहा है। जंग के दौरान दुश्मन की पोजीशन और उसके ठिकानों को जानकर सटीक निशाना लगाना काफी अहम होता है। इसके लिए UAV यानी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल टीम आर्टिलरी यानी तोपखानों की मदद करती है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों और वीडियो के जरिए जो जानकारी मिलती है उस डेटा को फील्ड मुख्यालय और MLRS कमांडरों को फौरन पहुंचाया जाता है। वहीं वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के BUK M3 SAM सिस्टम हर मौसम में और हर समय अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। रूस के विशेष सैन्य अभियान के दौरान BUK मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों के खिलाफ रूसी सशस्त्र बलों की इकाइयों की रक्षा में तैनात किया गया है। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन के मुक्त प्रदेशों के नागरिकों की रक्षा के लिए भी इस रूसी सिस्टम से मदद मिल रही है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चालक दल की टीम हर मौसम में 2400 घंटे यहां ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। हर एक मिनट पर टारगेट का पता लगाने वाले स्टेशनों के जरिए आसपास के हवाई इलाकों को स्कैन किया जाता है। इनकी मुस्तैदी कुछ ऐसी है कि किसी भी दुश्मन के लिए इनके सर्विलांस सिस्टम से बचना तकरीबन नामुमकिन है। BUK M3 सिस्टम अपनी श्रेणी के SAMs यानी जमीन से हवा में वार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स के बीच अपनी तकनीकी विशेषताओं के मामले में दुनिया में अद्वितीय है। वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम में 360 डिग्री के इलाके में टारगेट करने की क्षमता होती है और BUK M3 एक साथ 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की रिपोर्ट।